हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज आपने न्यूज़ सुनी होगी, हालांकि ये जो खबर थी ये आप लोगों ने पहले ही कल आप लोगों ने देख ली होगी कि जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के आपके अध्यक्ष एस राजू जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने पद से इस्तीफा क्यों दिया है, इसके पीछे कारण आप सभी जानते हैं। इस समय जो आयोग है, उसकी जो भर्ती परीक्षा है वीडियो वीपीडी वाली, वो इसमें विवादों में है। एसटीएफ जो है वो निरंतर आपका जो है वो खुलासे करते जा रहा है, बट आज की यह वीडियो उन कारणों के लिए नहीं है। अब है कि आज की परिस्थिति में अब आपके साथ क्या होने वाला है, क्या आप जो अभी एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी आप दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कल से हमसे लगातार पूछ रहे थे, या जो हमारी रेगुलर आपकी जो पेड क्लासेज हैं वो हमारी ऐप पे, विद्यार्थी लर्निंग ऐप पे, वहाँ पे भी हमसे पूछ रहे थे कि सर अब जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, अगर हम इसी समय की बात करें तो अगर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है वो आपका अगस्त माह में आपका प्रस्तावित है, उसके बाद जो गन्ना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम है वो भी आपका इसी महीने में प्रस्तावित है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा आपका झटका है जो हमारी आगामी परीक्षाएँ हैं, ठीक है, जो भी आपके पेपर होने हैं 99% चांसेज हैं कि अब वो आपके डीले होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो बहुत सारी खबरें आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, उनका इस्तीफा देने के बाद उन्हें बहुत सारे आरोप जो हैं वो पूरे सिस्टम पे भी लगाए हुए हैं, और जो पिछली कुछ आपकी भर्तियाँ हैं उन पे भी आपका ये है, उन पे भी आपका विवाद उठा हुआ है। तो वहाँ पर जाते जाते जो हमारे एस राजू जी हैं, उन्होंने एक लाइन और कही कि अब कोई भी जो प्रतिष्ठित ऑनलाइन कंपनी है वो अब सरकार के साथ, वो अब आयोग के साथ काम नहीं करना चाह रही है। और इससे पहले जो आपका प्रिंटिंग प्रेस में आपका जो पेपर वहाँ से लीक पकड़ा गया था, तो उसको भी वो क्या करेंगे, रोक देंगे। तो यानी अब कुछ समय तक, तो जो हमें लगता है ये केवल एक अनुमान है, ये हमारा मानना है कि अगले कुछ समय तक जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो अब रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी भी मेहनत करते रहें, उसको हम एक अलग वीडियो में हम आपका यहाँ पे बताएंगे, अलग एक लेक्चर में हम देखेंगे कि आपको आने वाले समय में क्या करना है। लेकिन आज की कंडीशन को देखते हुए लगता है कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ा सा कुछ समय तक जो है वो डिले हो सकती है। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें आपका जो है लैब असिस्टेंट के लिए, तो लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त माह में जो है वो प्रस्तावित है, ठीक है, आज आपका जो है वो 6 अगस्त हो चुकी है, ठीक है, बहुत कम आपके पास समय बचा है, तो आपका जो ये एग्ज़ाम है ये पीछे आपका जरूर डिले होगा। उस वजह से जो आपके और भी आपके एग्ज़ाम्स हैं वो आपके जो हैं वो डिले होते रहेंगे। यहाँ पर फिर कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर अब एग्ज़ाम क्या एक ही शिफ्ट में होगा, या एक जैसे आपके एक सिस्टम में टायर वन टायर टू, तो अभी इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल जो आपके एक्स चेयरमैन थे, पूर्व अध्यक्ष जो थे एस राजू जी, उनने कहा कि उन्होंने जो है आयोग से प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेज दिया है, जिसमें कड़े कानून बनाए गए हैं, जो भी इस तरीके का नकल माफिया है, जो भी इस तरीके के नकल करते हैं, तो वहाँ पर उनने जो टायर वन टायर टू की बात की है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, जो पूर्व में जो विज्ञप्तियाँ आ चुकी हैं, ठीक है, पूर्व में जो भी विज्ञप्तियाँ आपकी आ चुकी हैं उसमें तो वही आपका सिस्टम चलना चाहिए, ठीक है, जो आपका उसमें कहा हुआ है कि एक ही आपका पेपर होगा। लेकिन अगर सरकार चाहे, अगर सरकार पारदर्शिता से एग्जाम कराना चाहे तो वो कुछ भी आपका कर सकती है। ये सब आपका जो निर्णय होता है ये सरकार और आयोग के हाथ में होता है। तो स्टूडेंट आप लोग इस समय घबराएं नहीं, बिल्कुल आपके जो इस समय थोड़ा सा आप लोगों को असमंजस का माहौल होगा, कन्फ्यूजन का माहौल होगा कि क्या होने वाला है, किस तरीके का होने वाला है, तो आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, पढ़ते रहिए, न्यूज़ भी देखते रहिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।